क्वेश्चन फाइव देखिए, इफ ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है आपका। तो कुछ नहीं करेंगे हम, ए स्क्वेयर ए और आई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगी। तो हमें यहाँ इसके लिए ए स्क्वेयर चाहिए, तो ए स्क्वेयर कैसे निकालेंगे हम, ए स्क्वेयर होगा ए इंटू ए, 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 3 9 माइनस 1 3 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 -1 + 4 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 8 5 -5 एंड दिस इज 3, ये आ गया ए स्क्वेयर। अब हम ले लेते हैं एल एच एस एंड एल एच एस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर -5a + 7i। ए स्क्वेयर की वैल्यू है 8 5 -5 3 -5a, ए है हमारे पास 3 1 -1 2 + 7 into i = 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और जब इस स्केलर माइनस फाइव को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर किसी से वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आ गया 8 5 -5 3 + -15 -5 + 5 + 5 और -10 + 7 0 0 7। अब सभी को ऐड करके लिख देंगे, 8 -15 + 7 -5 + 5 + 0 3 - 10 + 7, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 + 7 = 15 - 15 = 0, यहां भी 0, यहां भी 0, 7 + 3 10 - 10 = 0, यानी कि नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूव कर, केवल जो वैल्यूज वहां लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी हैं उनको हमने पुट किया है और हमारी जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है।